तीन लोगों ने बदमाश ने तो जेवर कैसे चुरा लिया और घटना घट गई। क्या घटना घट गई? गोली चला दी। गोली किसको लग गई? जेठ का। और जब इनकी बाइक महोबा में एंटर करी है बॉर्डर में तो इनको गोली मार दी गई। इस तरह की सूचना पे तुरंत ही पुलिस मौके पे पहुंची और इनको उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया जहां इनको डेड घोषित किया गया है। महोबा जिला में रक्षाबंधन के एक दिन पहले शाम को एक ऐसी घटना सामने आई जी को देख के हर को हैरान रह गया। अपने सगे भाइयों को राखी बांध में मायके जा रही थी। नवविवाहिता के संगे सशस्त्र बदमाशन ने लूट कर दई और विरोध करने पे जेठ की गोली मार के हत्या कर दई। महोबा में रक्षाबंधन पे जेठ के संगे बाइक से मायके जा रही नवविवाहिता को हथियार से लैस तीन बदमाशन ने रास्ता में रोके। लूट की वारदात को अंजाम दो, विरोध करवे पे जेठ की गोली मार के हत्या कर दई और वारदात को अंजाम दे के बाइक सवार तीन बदमाश मौके से फरार हो गए। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची। मामला है महुआ जिला के अजनर थाना क्षेत्र के इंद्रहाटा गांव को। इतने नवविवाहिता भारती पाल अपने भाइयों को राखी बांधवे जेठ के संगे अपने गाँव मवैया जा रही थी। रास्ता में तीन बदमाश ने रोक के इनके संगे लूटपाट करी और घटना को विरोध करने पे मुकेश पाल को गोली मार दई। गोली लगते ही साथ मुकेश जमीन पे गिर गयो, उनकी मौके पे मौत हो गई। बदमाश भारती से दो सोने की हार और रुपया छीन के मौके से फरार हो गए। चले आ रहे थे तो उसने छेका। कितने? तीन लोगों ने बदमाश ने। अच्छा। तो जेवर कैसे चुरा लिया और घटना घट गई। क्या घटना घट गई? गोली चला दी। गोली किसको लग गई? जेठ का। कहाँ का, कहाँ की घटना है? अजनर के पास। आप लोग कहाँ से आ रहे थे? देवराय से। देवराय से अजनर जा रहे थे? देवराय से मवैया। किस जगह ये घटना हुई, कुछ जानकारी? अजनर के पास। कितने लोग थे वो? तीन। आप कितने लोग आ रहे थे? हम दो। अच्छा, जेठ बहू आए थे भैया। सर आप कहाँ आई, आपने किसको सूचना दी? हमने सूचना दी साहब उनको, एक लोग कड़ा से हमने के रोका लो फिर फोन लगाया, फिर गाड़ियाँ। हमारी बच्ची भी आ रही थी सासरे से तो रास्ते में बदमाशों ने छेक लिया है, उनने हमारे जमान को गोली मार दी और मतलब जेवर वेवर ले गए, उनका लूट मार कर ली। कौन थे वो, उसको जानकारी है? नहीं जानते हैं, पहचानते नहीं। दमाद के भाई थे? हाँ। लड़की के जेठ थे? हाँ जेठ थे। क्या नाम था उनका? मुकेश। क्या हुआ घटना में? घटना में सब उन लोगों ने गाड़ी छेक ली, गाड़ी छेकने के बाद लड़की को पकड़ा तो लड़के ने कुछ कहा होगा तो बच्ची को छोड़ा, लड़के को पकड़ा हुआ है तो उसको मतलब डायरेक्ट थैरी मार दिया है। अब हमें खत्म तो हो गई। कहाँ आए हैं सर आप लोग? फिर हम अस्पताल ले आए हैं। हाँ सब पुलिस को सूचना मिली। आज थाना अजनर जनपद महोबा में शाम के वक्त एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति मुकेश पाल जो कि निवासी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश है, वो अपने भाई की पत्नी को उसके मायके अजनर छोड़ने के लिए आया हुआ था अपनी बाइक से। और जब इनकी बाइक महोबा में एंटर करी है बॉर्डर में तो इनको गोली मार दी गई। इस तरह की सूचना पे तुरंत ही पुलिस मौके पे पहुंची और इनको उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया जहां इनको डेड घोषित किया गया है। और इसमें इनकी जो भाभी इनके साथ मौजूद थी उनके द्वारा बातचीत करने पर बताया गया है कि कुछ लोग आए बाइक से और इनको गोली मारकर भाग गए हैं। इसके अंदर सारे उच्चाधिकारियों द्वारा मौके का वो विजिट किया गया है। फील्ड यूनिट साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर रही है और इसमें सभी वैधानिक कार्रवाइयां की जा रही हैं। प्राप्त तहरीर के अनुसार FIR इसमें पंजीकृत की जाएगी और घटना का जल्द से जल्द अनावरण इसमें किया जाएगा। 4 महीना पहले भारती को ब्याह ग्राम देवराह जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश निवासी विशाल से बहुत हो रक्षाबंधन पे अपने भाइयों को राखी बांध भी अपने जेठ मुकेश के संग बाइक से जा रही थी। पुलिस फिलहाल आरोपियों की तलाश में जुटी है। महोबा से भरत त्रिपाठी, बुंदेली, बौछार के लाने। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी।
50 future ready courses taught in 12 different schools, separate course and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.